और चलिए पहाड़ प्राइम की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दरअसल रुड़की में लड़कियों के बीच मारपीट का एक मामला सामने आया है। पुलिस हिरासत में मारपीट करने वाली 3 लड़कियां नजर आई। देखिए मारपीट को लेकर लड़कियों से पूछताछ हो रही है। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एक लड़की की पिटाई करते वीडियो वायरल हुआ था। स्कूल की लड़कियां हैं। मारपीट को लेकर लड़कियों से पूछताछ भी हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनीत त्यागी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनीत, ये पूरा मामला क्या है, क्यों ये लड़कियां आपस में भिड़ रही है, किस वजह से मारपीट हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए पूजा, जिस तरह से रुड़की में एक वीडियो वायरल हुआ था, देर रात का ये मामला था जिसमें कुछ लड़कियां जो है मारपीट करते हुए नजर आ रही है। 3 से 4 जो लड़कियां थी जिनमें जो एक लड़की के साथ जो है लाठी डंडों से मारपीट करते हुए नजर आ रही है। लेकिन इस मामले में जो एबीपी गंगा ने खबर दिखाई तो एबीपी गंगा पर खबर चलने के बाद जो है पुलिस हरकत में आई और अब जाके थोड़ी देर पहले ही जो है पुलिस ने 3 लड़कियों को जो है हिरासत में लिया है, यानी 3 लड़कियां जो है हिरासत में ले ली गई हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और पुलिस का यही कहना है कि अभी जो पीड़ित जो लड़की है अभी उसकी भी तलाश की जा रही है। ठीक है विनीत, कुल मिलाकर अभी जांच इस पूरे मामले पर होगी। धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो पुलिस हिरासत में ही मारपीट करने वाली ये 3 लड़कियां जो एक दूसरे को पीटते हुए नजर आई। और देखिए बढ़ते आगे, जहां सर्दी बढ़ने के साथ ही रैन बसेरों में लोगों की भीड़ भी अब बढ़ने लगी है। रैन बसेरों में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री धामी पहुंच गए। इसी दौरान सीएम ने देहरादून में रैन बसेरों का निरीक्षण किया, जरूरतमंदों को गर्म कपड़े भी बांटे। कड़ाके की ठंड में सड़क पर सीएम धामी, गरीबों और जरूरतमंदों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री। ये तस्वीरें शनिवार देर रात की हैं जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक एक रैन बसेरा में पहुंच गए। मुख्यमंत्री को अपने बीच रैन बसेरा में मौजूद लोग भी देखकर हैरान रह गए। घंटाघर के पास स्थित रैन बसेरे में सीएम धामी ने लोगों से सरकारी इंतजामों को लेकर बातचीत की। मुख्यमंत्री ने रैन बसेरों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े और कंबल भी बांटे। सर्दी के मौसम में अगर किसी बेसहारा और असहाय को गर्म कपड़े मिल जाएं तो भले इससे बेहतर क्या हो सकता है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को रैन बसेरे की स्थिति में सुधार किए जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही शहर में जगह जगह अलाव जलाने की व्यवस्था करने के लिए भी कहा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। २०२३ आने में कुछ ही दिन बाकी हैं, नया साल नजदीक है और ऐसे में सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर देखिए पहाड़ों में, उत्तरकाशी की बात हम कर रहे हैं जहां इन दिनों लोग सर्दी का सितम झेल रहे हैं। पारा गिरने से गंगोत्री धाम, हर्षिल घाटी में झरने और नदियों का पानी तक जमने लगा है। हालांकि अभी तक बर्फबारी वहां पर नहीं हुई है, इसी वजह से सूखी सर्दी पड़ रही है। सुबह और शाम के समय में सबसे ज्यादा ठंड वहां पर पड़ रही है और ठंड को दूर करने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। देखिए बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सुबह और शाम के समय, तो इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं कि लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। उत्तराखंड से जुड़ी हर बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें हमें मिल रही है। राजधानी लखनऊ में जहां लोक भवन को लाइटिंग से सजाया गया है। देखिए अटल जयंती का मौका है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं, उद्घाटन किया है। लोक भवन में फसाद लाइटिंग का उद्घाटन किया गया। तस्वीरें देखिए मनमोहक तस्वीरें हैं, दिल को मोह लेने वाली ये तस्वीरें हैं जहां पर लाइटिंग से देखिए सजाया गया है लोक भवन को। और अटल जयंती के इस मौके पर खास तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी यहां पर रही जहां पर लोक भवन को सजाया गया। भरपूर लाइटिंग देखिए यहां पर की गई है, जगमग रोशनी से सजता हुआ लोक भवन आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। और बेशक ये जो तस्वीरें हैं ये मन को मुग्ध कर लेने वाली तस्वीरें हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। और खबर देहरादून से है, पुलिस किशन चंद की कस्टडी रिमांड लेगी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी रिमांड के दौरान किशन चंद से पूछताछ भी की जाएगी। किशन चंद से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं, कई राज खुल सकते हैं। कॉर्बेट में हुई गड़बड़ियों को लेकर गिरफ्तारी हुई थी किशन चंद की और अब देखिए रिमांड पर लेगी पुलिस और इसी रिमांड के दौरान जबरदस्त पूछताछ किशन चंद से की जाएगी। और उम्मीद जताई जा रही है कि किशन चंद से जो पूछताछ होगी उसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है राज वो खुल सकते हैं। गिरफ्तारी हुई है किशन चंद की और इसके बाद
हम लोगों का ये प्रयास है कि इनका पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर और भी क्या तथ्य आ रहे हैं, इसमें क्या अन्य की गिरफ्तारी की संभावना है या नहीं है, या किसी अन्य के विषय में जानकारी लेना कि उनको उनका भी क्या रोल रहा है, और क्योंकि ये वृक्षों के पातन और अवैध निर्माण का पाखरो रेंज में उसके संबंध में है, तो इसलिए इस पर हम लोग अभी गहनता से विवेचना चल रही है। विवेचना के मध्य में अब तक दो गिरफ्तारियां हुई हैं जिससे काफ़ी कुछ निकल के आया है। अभी आगे और देखते हैं, जब पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे तब उसके बाद देखेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किशन चंद से पूछताछ होगी, रिमांड के दौरान जानकारी मिल रही है। बढ़ते हैं आगे और देखिए, कोरोना का खौफ दिनों दिन बढ़ रहा है और इसके बाद उत्तराखंड में भी सरकार ने चौकसी बरतने के निर्देश जारी कर दिए। टिहरी में कोविड के बढ़ते खतरे को लेकर सभी विभागों में कर्मचारियों को भी मास्क के साथ साथ दफ्तर आने के निर्देश दिए गए। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच टिहरी में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। डीएम ऑफिस में अब बगैर मास्क एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही सभी सरकारी विभागों में कहा गया है कि कर्मचारी मास्क लगाकर ही ऑफिस आएं। लोगों से भी कहा जा रहा है कि घर से बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाते समय भी मास्क लगाने की हिदायत दी गई है। जो भी हमारे SARI वाले, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस वाले प्रकार के मरीज आ रहे हैं, उन सबकी कोविड टेस्टिंग का मैंडेट है, वो जरूर कराएं। इसके अलावा जितने भी हमारे अस्पताल, जैसे पहले भी हमारे कोविड कार्यालय में चल रहे थे, कोविड कार्यकाल में चल रहे थे, उसी तरह से फिर से हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। सब प्रकार की औषधियां कोविड रिलेटेड जितनी भी हमारी, वो सब हमने अपने चिकित्सालय में उपलब्ध करा दी गई हैं। और ये जो हमारा मास्क लगाने का, इसकी भी अनिवार्यता एक नोटिस के द्वारा कर दी गई। कोरोना एक बार फिर से पूरी दुनिया को डरा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के दौरान देश को आगाह किया है। जिस तरह कोरोना वैश्विक महामारी के इस समय में योग और आयुर्वेद की शक्ति को हम सभी देख रहे हैं, उसमें इनसे जुड़ी एविडेंस बेस्ड रिसर्च बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। मेरा आपसे भी आग्रह है कि योग, आयुर्वेद और हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों से जुड़े हुए ऐसे प्रयासों के बारे में अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो उन्हें सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उत्तराखंड के तमाम अस्पतालों में भी कोविड को लेकर सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। संदिग्ध मरीजों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। न्यू ईयर करीब है, इसलिए एंट्री पॉइंट्स पर चौकसी भी बढ़ा दी गई है। एबीपी गंगा के लिए टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट। बड़ी खबर देख रहे हैं रुद्रपुर से, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की। शहर में मिठाई और दूध की दुकानों पर छापेमारी की गई। खामियां मिलने पर 4 दुकानदारों का चालान तक काटा गया, 2 दुकानदारों को नोटिस भी जारी किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त के आप तक पहुंचा रहे खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की है। देखिए, क्रिसमस का मौका है, नया साल नजदीक है और ऐसे में कई ऐसी खबरें सामने आती हैं जब लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की है, शहर में मिठाई और दूध की दुकानों पर छापा मारा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनकपुर के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री GIC में आयोजित किताब कौथिक कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं से मुलाकात की। इसके बाद CM ने मेले में लगे किताबों के स्टॉल्स का निरीक्षण किया। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विजेताओं को सम्मानित भी किया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत कोटद्वार के दौरे पर रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने अटल जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम प्रेरणादायक रहा। प्रेरणादायक थी, उन्होंने बताया किस तरह से देश हर तरह से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक फोरम पर हो, चाहे वो वैक्सीन लगाने के मामले पर हो, चाहे G20 की अध्यक्षता मिलने के मामले पर हो। बहुत प्रेरणादायक था। साथ ही साथ उन्होंने हमारी अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने नृत्य, गीत, योग पर भी उन्होंने आज बहुत अच्छी बातें बताई।
उत्तराखंड के आईएएस अफसरों को उत्कृष्ट जिला अधिकारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुशासन दिवस के मौके पर प्रदेश के 5 जिला अधिकारियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार से नवाजा गया। जिन अधिकारियों को यह सम्मान मिला है उनमें डीएम हरिद्वार विनय शंकर पांडे भी हैं। विनय शंकर पांडे को कावड़ मेले के सफल संचालन समेत कई अहम कामों को लेकर सम्मानित किया गया है। उधर पौड़ी के डीएम आशीष चौहान, चमोली के डीएम हिमांशु खुराना, नैनीताल के डीएम गर्भयाल को भी सम्मानित किया गया है और इसी के साथ ही ई ऑफिस के सफल संचालन के लिए डायरेक्टर विजिलेंस अमित सिन्हा को भी सम्मानित किया गया। हरिद्वार के डीएम साहब विनय शंकर पांडे जी हैं, नैनीताल के डीएम धीरज गर्भयाल जी हैं और पौड़ी के आशीष चौहान जी और रुद्रप्रयाग के डीएम मायूर दीक्षित और चमोली के डीएम हिमांशु खुराना जी को आज पुरस्कार दिया गया है। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि मैंने जब 13 डिस्ट्रिक्ट्स का भ्रमण किया वहां पर रुक कर बहुत बारीकी से इनके काम को देखा है और 360 डिग्री स्पेक्ट्रम में देखा था। उसके बाद में इसको बहुत ही एक सुनिश्चित एक ऑर्गेनाइज तरीके से हर एक डीएम है उनका परफॉर्मेंस को नापा गया, मापदंड किया गया। राज्य सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है और किसी भी अधिकारी के लिए बड़े ही सम्मान का और गौरव का क्षण होता है और इसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये केवल एक अनुभूति का विषय है और इसको पाकर निस्संदेह मैं पूरे हरिद्वार वासियों को, वहाँ के अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सभी को मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि सभी के सामूहिक प्रयास से यह क्षण आया है। ये ई ऑफिस को सचिवालय में सही तरह से और कम्प्लीटली लाने के लिए, क्योंकि अब तक से पहले पेपर चलता था और अब पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी आ गई है और पूरे तरह से ई ऑफिस के माध्यम से सचिवालय की कार्यप्रणाली होती, तो इन सब चीज़ों को लेकर आज पुरस्कार दिया गया है। हरिद्वार से अगवा किए गए 6 साल के बच्चे के मामले में अब पुलिस ने 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। बेलवाला क्षेत्र का मामला है। 9 तारीख को 6 साल का बच्चा अपने घर से लापता हो गया था। पुलिस का कहना था कि जिस बाइक से बच्चे को अगवा किया गया उसे भी बरामद कर लिया गया है और इसी पूछताछ में आरोपियों ने यह बताया कि उसी के रिश्तेदार ने बच्चे को गोद लेने की बात कही थी, इसलिए उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। 6 साल का मासूम जिसे अगवा किया गया था घर से खेलते वक्त वो अगवा हो गया था। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई और इसके बाद पुलिस ने देखिए सफलता हासिल की है। उधर रुड़की के पिरान कलियर दरगाह में फैली अव्यवस्थाओं पर प्रशासन सख्त हो चुका है। प्रशासन ने फैसला लिया है कि अब बाहर से आने वाले जायरीन 3 दिन से ज्यादा समय तक कलियर में रुक नहीं पाएगा। पिछले दिनों वक्फ बोर्ड ने भी पिरान कलियर में फैल रही अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। हरिद्वार के लक्सर में पंचायती राज अपर सचिव ओंकार सिंह ने चौपाल लगाई। इस दौरान ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया। हालांकि कई विभाग ऐसे भी थे जो कि चौपाल के दौरान नहीं पहुंचे, जिस पर अपर सचिव ने नाराजगी भी जाहिर की है। चौपाल के दौरान राशन डीलर, गांव से पानी की निकासी, शिक्षा संबंधी, राजस्व संबंधी और जल संस्थान संबंधी शिकायतें प्रमुख रूप से छाई रही। कर्णप्रयाग के पोखरी ब्लॉक में ग्राम चौपाल लगाई गई। जिलासू गांव में लगाई गई चौपाल में अपर सचिव नवनीत पांडे पहुंचे थे और ग्राम चौपाल में ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़क से होने वाले नुकसान सहित बिजली, पानी, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को रखा। कुछ समस्याओं का तो मौके पर ही समाधान किया गया जबकि कुछ के समाधान के निर्देश दिए गए। अगर आप बाजार से खुले में बिक रहे मीट को खरीद कर लाते हैं तो आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है, क्योंकि आरटीआई के तहत ये पता चला है कि दुकानों पर खुले में बिकने वाले मीट की गुणवत्ता की कोई गारंटी नहीं है। अगर आप मीट खाने के शौकीन हैं तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। हो सकता है राजधानी देहरादून की दुकानों से खरीदा गया मीट आपको बीमार कर दे। बाजार में खुली छोटी दुकानों पर जो मीट परोसा जा रहा है उसकी गुणवत्ता का कोई भरोसा नहीं है। आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी में खुलासा हुआ है कि दूध में बिक रहे मीट के क्वालिटी की जांच नहीं होती है। जब हमने आरटीआई में मांगा उन्होंने कह दिया कोई रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं है, तो आप कैसे, तो ये तो धरातल में सामने आ गई है बात की कोई मेडिकल ही नहीं होता है। और जबकि गजट में लिखा है कि निरीक्षण होगा, मेडिकल होगा, उसमें इनका 50 रुपये का शुल्क होगा, स्टैंप लगेगी, पर लेकिन 50 रुपये का शुल्क तो लिया जा रहा होगा, पर लेकिन कोई मेडिकल
कुछ नहीं है और दुकानों में कैसे ये बकरे कट रहे हैं, सवाल सबसे बड़ा ये हो जाता है। गाइडलाइन के मुताबिक पशु की जांच के बाद ही उसे स्लॉटर हाउस में भेजा जाता है। सिर्फ स्वस्थ जानवर का ही मीट दुकान पर बेचा जा सकता है, बीमार पशु को स्लॉटर हाउस में वध के लिए नहीं ले जाया जा सकता है। मगर बड़ा सवाल है कि जब नगर निगम के पास कोई स्लॉटर हाउस ही नहीं है तो बाजार में बिकने वाला मीट सही है ये कैसे पता लगेगा। हम लोग यहाँ भी कोई संचालित ऐसा कोई वो स्लॉटर हाउस नहीं है, क्योंकि वो अधिनियमों के अंतर्गत और जो पूर्व में जो कोर्ट के डिसीजन हुए थे उसके अनुसार बने हुए नहीं है। इसके साथ ही साथ जो इसकी नियमावली है वो साफ कहती है कि जो बड़े जानवर हैं, जो आपके जैसे बकरा हो गया, तो ये जो है स्लॉटर हाउस में ही इनका जो है पहले प्री मॉर्टम होता है, फिर पोस्ट मॉर्टम होता है स्लॉटर होने के बाद, और फिर उसके बाद जो है ये मार्केट में आते हैं जिनका की बिक्री के लिए। शहर में कई जगह पर मीट की दुकानें खुली हैं, मगर ये सभी खुद ही जानवर का वध करते हैं, क्योंकि राजधानी में सिर्फ एक स्लॉटर हाउस रिकॉर्ड में है, मगर उसे भी बाद में बंद कर दिया गया था। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंथुरा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।